महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर की सीढ़ियों के नीचे स्थित उत्तरेश्वर महादेव 84 महादेवों में 44वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार एक समय बादलों ने इतनी वर्षा की कि पृथ्वी जलमग्न हो गई। तब यज्ञ पूजा आदि सब कर्म बंद हो गए। इससे घबराकर देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने इंद्र को याद किया। इंद्र ने उपस्थित होकर पूछा, भगवान क्या आज्ञा है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, इन बादलों को रोको, इतनी वर्षा से पृथ्वी डूब गई है। तब ब्रह्मा और इंद्र ने बादलों की मर्यादा निश्चित कर दी। गज नाम के मेघ को पूर्व दिशा, गवय को दक्षिण दिशा, शर्भ को पश्चिम दिशा और उत्तर नाम के मेघ को उत्तर दिशा दी। उन्हें समझाया कि वे केवल वर्षा काल में आद्रा से स्वाति नक्षत्र तक केवल 10 नक्षत्र में ही वर्षा करेंगे। इस प्रकार मर्यादा निश्चित होने पर पृथ्वी पर शांति छा गई। इसके पश्चात शनि, मंगल, सूर्य और केतु क्रूर ग्रहों ने बादलों को परेशान किया। वे इंद्र के पास गए। इंद्र ने कहा, मेरा इन ग्रहों पर कोई वश नहीं है, इस कारण पृथ्वी पर 100 वर्ष तक अनावृष्टि हो गई, पृथ्वी कंकालों से पट गई। तब घबराकर देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं भी इन ग्रहों से घबराता हूँ। शनि ने आपको पीड़ित किया, समुद्री जीवों के स्वामी वरुण को मंगल ने, केतु ने इंद्र को राज्य भ्रष्ट किया, रवि वक्र होने पर मेरा एक सिर जाता रहा, अब इन चारों के एकत्र होने पर क्या किया जाए? तब वे शिवजी के पास गए। तब शिवजी ने अपने दल के साथ उत्तर नामक मेघ को बुलाया। उसे आज्ञा दी कि महाकाल वन में जाओ और वहां गंगेश्वर के दक्षिण में एक वृष्टिकारक लिंग है, उसकी पूजा करो। उत्तर मेघ ने अपने सहायकों के साथ महाकाल वन में जाकर क्षिप्रा स्नान कर इस लिंग की पूजा की। तब इस लिंग से धुआं और ज्वाला निकली, जिससे ग्रह जल गए। तब ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और देवता इस लिंग के पास गए। तब इस लिंग की आकृति बढ़ने लगी और उसमें से जो पानी की धारा निकली उससे समुद्र बन गया। लिंग के दूसरी ओर से वायु और बिजली निकली, एक भाग से ज्वाला निकली, जिससे ग्रह नक्षत्र घबरा उठे। वे शिव के पास आए और उनकी स्तुति की। शिव ने उन्हें वरदान दिया कि सब कार्यों के आरंभ में हमारी पूजा हो। उत्तर मेघ को भी आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे वृष्टि कार्य से अब कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। तब से यह लिंग उत्तरेश्वर कहलाया। उत्तरेश्वर की पूजा करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।